कैसे आप सब, मैं गौरव आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो काफी नीडफुल होने वाली है, रीजन भी दोस्तों आपको पता होगा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि आप उसकी कंपनी में और ज्यादा समय तक काम करें, या कई बार क्या होता है कि आपका या फिर होता क्या है कंपनी में कोई दिक्कत आती है जिसकी वजह से आप वहाँ काम नहीं करना चाहते, या कोई और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप जॉब छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं होती है वहां से। अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं अपना फॉर्म नंबर 10C का और 19C का, तो आपको एक प्रॉब्लम आती है डेट ऑफ एग्जिट की। जब तक आप डेट ऑफ एग्जिट अपने यूएन पोर्टल में सबमिट नहीं करेंगे, उससे पहले आप अपना पीएफ का बैलेंस नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ फॉर्म 31 से अपना एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं, जो कि पूरा नहीं निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं और ब्रीफली जानने वाले हैं कि हम अपना पूरा पीएफ पेंशन के साथ कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है EPFO। इस पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले जो ये आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको आपको काट देना है, कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे आप देखेंगे यहाँ सेकंड ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयज, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है, सेकंड ऑप्शन है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। ये खुल गया है, यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डाल देना है, यूएन की जगह पासवर्ड की जगह आप पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ये कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, आपको सेम एज फिल कर देना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक फोर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको आपको लेटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है मैनेज का, ये जो ब्लू कलर का रिबन है, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है मैनेज का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क एग्जिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इस पर आपको सिलेक्ट पे जाके आपको अपना एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी आपने जॉब करी है, जो भी कंपनी का नाम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो डेट्स हैं, जहाँ जब आपने ज्वाइन किया था उसकी डेट यहाँ पे आ गई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन हो गई है। आपको सिंपली सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, इस पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ एग्जिट चुननी है, जैसे हम अपनी इस केस में चुन लेते हैं। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे भी आपको सेम एज चुन लेनी है जो अभी आपने पीछे फिल करी है, और यहाँ सिलेक्ट रीजन पे आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास चार ऑप्शन है, रिटायरमेंट, सुप्रीन्यूएशन, परमानेंट डिसेबल और सेशन शॉर्ट सर्विस। ज़्यादातर केसेस में हम ये ही करते हैं, सेशन शॉर्ट सर्विस, तो आप इसी पे करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट OTP का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, आप इस पर सिंपली येस करेंगे, क्योंकि आप केयरफुली ही इस काम को करेंगे और केयरफुली ही आपको करना भी है। यहाँ पे आप येस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP जा रहा है, ये OTP आपके फ़ोन पे जा चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे OTP कैप्चर कर देना है, जो भी आपका आधार कार्ड में OTP, आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर OTP जाएगा 6 डिजिट का। ये OTP डालने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सबमिट का ऑप्शन आ गया ब्लू कलर में, आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, और ये आप एक फिर पॉपअप खुला है, इसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, ये आपसे श्योरिटी मांग रहा है कि आप एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं, तो आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी डेट ऑफ एग्जिट की।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुकी है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नो एम्प्लॉयमेंट फंड यहाँ पे आपको दिखा दिया, फंड दिखा दिया है कि इसमें आप कोई एम्प्लॉयमेंट आपका नहीं बचा है। उसके बाद में आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके आप अपनी सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। अभी इससे पहले हमारी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं थी, अब डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो चुकी है। डेट ऑफ एग्जिट हमारी है 10/7/2020। ओके, तो आप इस तरह से अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से ही मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने से डिनाई करते हैं तो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि डेट ऑफ एग्जिट हम अपने पोर्टल में, अपने यूएन पोर्टल में कैसे मेंशन करते हैं। ईपीएफओ में ये सुधार बहुत जल्दी ही हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमने अपनी डेट ऑफ एग्जिट कैसे मेंशन करी है, वो भी इंस्टेंट। ये डेट ऑफ एग्जिट इंस्टेंट मेंशन हो जाती है सर्विस हिस्ट्री में, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के थ्रू भी आपको बता दिया है। आई होप कि वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, जो ये रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है इसे यार रेड बिल्कुल ना रहने दें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये काफी नीडफुल है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Stranded